प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बहुत ही बरकत नाम में मैं आप सबके लिए और आपके घरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अजीजो आए हम खुदावंत की सुबह मुबारक से निकला हुआ तीसरा कलमा देखेंगे, खुदावंत के कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस जॉन की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे। The book of John, chapter 19, verse 26 to 27. खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजो तीसरे कलमे को हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने अपनी मुबारक जुबान से तीसरा कलमा अदा किया तो तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था और तारीकी छा जाने से थोड़ी देर पहले का वाक्या है, जबकि पूरे मींस मुल्क में अंधेरा छाने से पहले थोड़ी देर पहले का वाक्या है 11:30 बजे का। और ये कलमा जो है एक सिफारिश है और एक जिम्मेदारी है और एक फर्ज है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किया। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास हम देखते हैं कि बहुत सी औरतें जमा हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि औरतें खुदावंद यीशु मसीह से बेहद प्यार करती थी और सब मसीह की सलीब के नीचे खड़ी हैं, जबकि उसके सारे शागिर्द जो थे वो उसे छोड़कर जा चुके थे। सिर्फ एक शागिर्द मौजूद था, यूहन्ना, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और खुदावंद यीशु मसीह भी उससे बेहद प्यार करते थे। सिर्फ वही शख्स मौजूद है, वही शागिर्द मौजूद है, बाकी सारे शागिर्द उसे छोड़कर चले गए खौफ की वजह से। और ये औरतें जो थीं, जिनमें खुदावंद यीशु मसीह की अपनी माँ भी शामिल थी और उसकी बहन थी और भी बहुत सी औरतों के नाम मैंने अभी आपके सामने लिए हैं, ये सब जमा थी। उस दौर के मुताबिक औरतों का सलीब के नीचे खड़ा होना बहुत ही डेंजरस था, खतरनाक था, क्योंकि उनको पनिशमेंट मिल सकती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से इस कदर औरतें प्यार करती थी कि वो हर बात को भूलकर वहां पर खड़ी रही। उन्होंने अपनी दुख की, तकलीफ की या मुसीबत की या किसी परेशानी की भी फिक्र नहीं की। और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे जमा है, आप उस मंजर को जरा देखें, उसकी मुकद्दसा माँ, मुकद्दसा मरियम जो उसकी माँ थी, उसके दुख को देख रही है और उसका क्या हाल है। सारी औरतें रो रही हैं, छाती पीट रही हैं उसकी अजियत को देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर। ऐसी माँ हम इस दुख को महसूस कर सकते मगर वो कुछ नहीं कर पाती थी। ये मंजर बहुत ही तकलीफ दे था। जब खुदावंद यीशु मसीह की नजर अपनी माँ पर पड़ी तो उसे अपनी माँ के दुख का अंदाजा हुआ, उसके गम का अंदाजा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की फिक्र की और उसकी जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दी और कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। लिखे उसी वक्त वो उसे अपने घर ले गया। यहां पर अक्सर ये सवाल होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को औरत क्यों कहा। चंद बातों पर हम गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को औरत क्यों कहा। हम अपने माशरे में, एशियन माशरे में, हम अगर अपनी माँ को औरत कहें
तो बहुत ही ऑड लगता है, लेकिन उस वक्त के दौर में औरत कहना एक रिस्पेक्टेड वर्ड था, जिस तरह के आज के दौर में हम मैडम या मोहतरमा कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लफ्ज यूज किया जाता था, यानी ऐ औरत, जिसका मतलब था रिस्पेक्टेड लेडी, रिस्पेक्टेड मदर, रिस्पेक्टेड वेमैन। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी माँ को इज्जत के साथ पुकारा था और उसने अपनी माँ की फिक्र की कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। कलमे का आगाज दो हिस्सों से होता है, पहले वो माँ से खताब करता है, फिर और अपने शागिर्द से, उस शागिर्द से जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया, नए रिश्ते का आगाज होता है, नया रिश्ता बन जाता है। मुकद्दसा मरियम का एक नया रिश्ता यूहन्ना के साथ, जो कि उसका शागिर्द था, प्यारा शागिर्द था, उसके साथ नया रिश्ता बहाल हो जाता है। हालेलुया, और उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी उसको दे दी। अजीजो, यूहन्ना वहां पे मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी उस शागिर्द को दी जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, और ये उसका सबूत था कि वो इस वक्त उसकी सलीब के नीचे था, जबकि सारे शागिर्द उसे छोड़कर जा चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये मेरी माँ का ख्याल रख सकता है और रखेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर हम देखते हैं कि रूहानी रिश्तों की परवाह की, ना कि दुनियावी। खुदावंद यीशु मसीह का वो शागिर्द था, खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी किसी दुनियावी रिश्ते को नहीं दी, बल्कि उसने उस शख्स को दी जिसको वो जानता था कि ये मेरी माँ का ख्याल रखेगा। आप सोचिए, मुकद्दस यूहन्ना रसूल किस कदर खुश हुए होंगे जब उनको ये पता चला होगा कि मेरे मुनज्जी ने, मेरे खुदावंद ने अपनी माँ की जिम्मेदारी मुझे दे दी है, तो किस कदर प्राउड फील कर रहे होंगे। हालेलुया, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया, उसी वक्त फौरन उसने उस जिम्मेदारी को कबूल किया, एक्सेप्ट किया और उसे अपने घर ले गया अपनी माँ बनाकर। मुकद्दसा मरियम भी इस नए रिश्ते से खुश हुई और उसने भी उस रिश्ते को कबूल किया। अजीजो, ये कलमा हमें ये बात सिखाता है कि हमने अपने दुनियावी रिश्तों की परवाह करनी है, फिक्र करनी है, इस सरजमीन पर रहते हुए भी और इस सरजमीन से जाते हुए भी अपने माँ बाप की इज्जत करनी है सबसे पहले, जैसा कि इफ़सियों के खत में लिखा है कि अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो तेरी भलाई होगी या तेरी उम्र की दराजी होगी। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं, तो हमारी उम्र दराज होती है और इस सरजमीन पर हमारी भलाई होती है। खुदावंद खुदा हमारे लिए भला करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने रिश्तों की अहमियत का एहसास हमें दिलाया और ये हमें बताया कि हम सब ने अपने अपने रिश्तों की कदर करनी है, मियां बीवी के रिश्ते की, बहन भाइयों के रिश्ते की, अजीजों के रिश्ते की, माँ बाप के रिश्ते की, सबकी रिस्पेक्ट करनी और सबकी जिम्मेदारी को इस सरजमीन पर रहते हुए बखूबी तौर पर, पूरे तौर पर निभाना है और मोहब्बत के साथ, हालेलुया, उनसे प्यार करना है, उनके फरमाबरदारी करनी है और अपने रिश्तेदारों के साथ भी प्यार और मोहब्बत से रहना है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये दर्स दिया कि हमने अपने रिश्तों से मोहब्बत करनी है, ये सबक सिखाया। हालेलुया, रूहानी रिश्तों की भी, दुनिया में रिश्तों की भी। खुदावंद का जिंदा कलाम हमें ये सिखाता है, खुदावंद यीशु मसीह खुद सलीब से हमें ये सिखा रहे हैं कि हमने अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी है, खासतौर पर अपने माँ बाप की, उनकी इज्जत करनी, उनकी जिम्मेदारी को निभाना है, खासतौर पर उस वक्त जब वो ओल्ड एज में चले जाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं। उससे पहले तो वो खुद ही अपनी फिक्र खुद कर सकते हैं, मगर जब वो उस एज में जाते हैं तो वो उस काबिल नहीं होते कि वो अपना ख्याल भरपूर तौर पर रख सके। इसलिए जरूरी है कि हम इस कलमे से, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा, हम अपने रिश्तों की और अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनकी फरमाबरदारी करें और उनकी ताबेदारी करें और उनसे प्यार करें। खुदावंद आपकी उम्र को दराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम अपने हर उस रिश्ते की
कदर करें, इज्जत करें, मोहब्बत करें और जिम्मेदारी को महसूस करें। खुदावंद आप सबको आज के इस कलमे के वसीला से जो मसीह की मुबारक जुबान से सलीब पर निकला, हम सबको ऐसा करने का फजल अता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।